एक शख्स आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ता, सुनिए आप, मैं जिना भी करता हूं, झूठ भी बोलता हूं, सोचता हूं एक चीज को ही छोड़ दूं। मालूम होता है एहसान कर रहे हैं। हम लोगों के वो शादी होता है ना कि जरा सा दीन ईमान की बातें करते हैं, मालूम होता है अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। कुरान कहता है भैया तुम अपने ईमान का एहसान मत जताओ, हमने एहसान किया जो तुमको हिदायत दे दी है, तुम काहे का एहसान करोगे। कहने लगा ना मैं जिना भी करता हूं, पहने लाओ सल्ली नमाज भी नहीं पढ़ता, झूठ भी बोलता है, बोलता हूं, सोचता हूं एक चीज छोड़ दूं। आप फरमाइए क्या छोड़ूं? एक छोड़ूंगा। हम आप होते तो क्या निकल लिए यहां से, तो एक चीज छोड़ूंगा, मान लेना दीन नहीं हो गया, इनके घर की खेती है जो दिल चाहेगा। लेकिन जो रहमतुल्लिल आलमीन है ना, वो दरवाजा बंद नहीं करते। आओ आओ किसी बहाने आओ, आओ तो ठीक, करना तो हमारा काम है, तुम आओ तो। पैगंबर ने कहा पक्की बात है एक नहीं छोड़ो, एक छोड़ दोगे? कहा बिल्कुल साहब, वायदा, लखनऊ की जबान में कहिए वायदा, छोड़ दूंगा मैं। कहा जाओ झूठ मत बोलना। उसने कहा यार ये तो आसान काम है, दिल में सोचा ये तो बढ़िया हुआ, पकिया चलेगा। इसलिए कि सारी जो है वो आदमी को आलस काय में होती है, नमाज में होती है ना। अब नमाज का वक्त आया, छोड़ो। फिर कहने लगा यार अगर कहीं रसूलुल्लाह ने पूछ लिया है नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, तो अगर कहता हूं हाँ पढ़ ली तो वायदे के खिलाफ होगा, और अगर नहीं पढ़ी तो सजा के तो हक है ना, सजा तो मैं। फिर जो उस अमले शनि का इरादा किया, उसने कहा यार अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि उसके जिना तो नहीं किया, अगर कहता हूं नहीं तो वादे के खिलाफ है, और अगर हां तो कोड़ा पड़ेगा, कुरान का हुक्म है। वहां से भी पलट आया, आग कहता यार रसूलुल्लाह ऐसी चीज छुड़वाई आपने कि सब छूट गया। सलावत बर मोहम्मद। तो मसला तो मसला अमामा लगाना नहीं है, कमाल कबा पहनना नहीं है, कमाल यह है कि इस्लाम का मिजाज समझ के हम मुसलमान हों।